प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में धरोहर संस्था द्वारा 26 जनवरी के अवसर पर पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका मेन उद्देश्य उत्तराखंड वासियों को एकजुट करना है। दिल्ली गाजियाबाद नोएडा में रह रहे उत्तराखंड वासियों को एकजुट धरोहर संस्था समिति की ओर से गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आयोजित धरोहर परिवार मिलन समारोह में कलाकारों ने पहाड़ की लोक संस्कृति की छटा बिखेरी है। कार्यक्रम में गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा सहित विभिन्न स्थानों से उत्तराखंड वासी शामिल हुए। गाजियाबाद से मनोज तोमर की रिपोर्ट। आपका पारिवारिक मिलन समारोह कार्यक्रम था, तब क्या मामला है? हमारी जो संस्था है, ये सबसे पहले आपका जो चैनल है उसको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो आप यहाँ पर पहुँचे। हमारी संस्था उत्तराखंड प्रवासियों की गाजियाबाद में सबसे पुरानी संस्था है, धरोहर संस्था, जो कि 2006-07 में रजिस्टर्ड हुई है और लगातार पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व है, चाहे वो प्रभु श्री राम की लीला का मंचन हो, चाहे अन्य कोई कार्यक्रम हो। हमारे पूरे जो उत्तराखंडी भाई आपस में इस तरह के कार्यक्रम में बराबर शिरकत करते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि हम ये 14वीं रामलीला अभी हमारी पिछले नवंबर में संपन्न हुई थी, तो हमारा सबका विचार था कि सभी लोग हम मिलकर के अपनी संस्कृति को देखते हुए अपने बच्चों को एक गेट टुगेदर का कार्यक्रम रखें। इसके तहत हम आज इस 26 जनवरी के पावन मेले पर हम लोग सब इकट्ठे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।